नमस्कार दोस्तों, आज सुनेंगे जयशंकर प्रसाद की कहानी जिसका नाम है अपराधी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वनस्थली के रंगीन संसार में अरुण किरणों ने इठलाते हुए पदार्पण किया और वे चमक उठी। देखा तो कोमल किस्लें और कुसुमों की पंखुड़ियां बसंत पवन के पैरों के समान हिल रही थीं। पीले पराग का अंगराग लगने से किरणें पीली पड़ गईं। बसंत का प्रभात था। युवती कामिनी मालिन का काम करती थी, उसका कोई न था। वह इस कुसुम कानन से फूल चुन ले जाती और माला बनाकर बेचती। कभी कभी उसे उपवास भी करना पड़ता, पर वह यह काम ना छोड़ती। आज भी वह फूले हुए कचनार के नीचे बैठी हुई अर्ध विकसित कामिनी कुसुमों को बिना बेधे हुए फंदे देकर माला बना रही थी। भंवरे आए गुनगुनाकर चले गए, बसंत के दूतों का संदेश उसने ना सुना। मलय पवन आंचल उड़ाकर रूखी लटों को बिखराकर हट गया। मालिन बेसुध थी, वह फंदा बनाती जाती थी और फूलों को फंसाती जाती थी। द्रुत गति से दौड़ते हुए अश्व के पद शब्द ने उसे त्रस्त कर दिया। वह अपनी फूलों की टोकरी उठाकर भयभीत होकर सिर झुकाए खड़ी हो गई। राजकुमार आज अचानक उधर वायु सेवन के लिए आ गए थे। उन्होंने दूर ही से देखा, समझ गए कि वह युवती त्रस्त है। बलवान अश्व वहीं रुक गया। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? कुरंगी कुमारी के समान बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसने कहा, मालिन। क्या तुम माला बनाकर बेचती हो? मालिन ने कहा, हाँ। यहाँ का रक्षक तुम्हें रोकता नहीं? नहीं, यहाँ कोई रक्षक नहीं है। आज तुमने कौन सी माला बनाई है? यही कामनी की माला बना रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? कामनी। वाह, अच्छा, तुम इस माला को पूरी करो, मैं लौटकर उसे लूँगा। डरने पर भी मालिन ढीठ थी, उसने कहा, धूप निकल आने पर कामनी का सौरभ कम हो जाएगा। मैं शीघ्र आऊँगा, कहकर राजकुमार चले गए। मालिन ने माला बना डाली। किरणें प्रतीक्षा में लाल पीली होकर धवल हो चली। राजकुमार लौटकर नहीं आए। तब उसी ओर चली जिधर राजकुमार गए थे। युवती बहुत दूर ना गई होगी कि राजकुमार लौटकर दूसरे मार्ग से उसी स्थान पर आए। मालिन को ना देखकर पुकारने लगे, मालिन, ओ मालिन। दुरागत कोकिल की पुकार सा वह स्वर उसके कान में पड़ा और वह लौट आई। हाथों में कामनी की माला लिए वह बन लक्ष्मी के समान लौटी। राजकुमार उस सौंदर्य को सकौतूहल देख रहे थे। कामनी ने माला गले में पहना दी। राजकुमार ने अपना कौशे उश्रीष खोलकर मालिन के ऊपर फेंक दिया, कहा, जाओ इसे पहनकर आओ। आश्चर्य और भय से लताओं की झुरमुट में जाकर उसने आज्ञा अनुसार कौशे बसन पहना। बाहर आई तो उज्जवल किरणें उसके अंग अंग पर हंसते हंसते लोटपोट हो रही थीं। राजकुमार मुस्कुराए और कहा, आज से तुम इस कुसुम कानन की बन पालिका हुई हो, स्मरण रखना। राजकुमार चले गए। मालिन की कर्तव्य विमूढ़ होकर मधुखो वृक्ष के नीचे बैठ गई। बसंत बीत गया, गर्मी जलाकर चली गई, कानन में हरियाली फैल रही थी। वन पालिका के चारों ओर मयूर घेरकर नाचते थे। संध्या में एक सुंदर उत्सव हो रहा था। रजनी आई, वन पालिका के कुटीर को तमने घेर लिया। मूसलाधार वृष्टि होने लगी। युवती प्रकृति का मद बिहल्लास था। युवती चकित होकर देख रही थी। सहसा बाहर कंपित कंठ से शब्द हुआ, आश्रय चाहिए। वन पालिका ने कहा, तुम कौन हो? एक अपराधी। तब यहाँ स्थान नहीं है, विचार कर उत्तर दो। कहीं आश्रय न देकर तुम अपराध न कर बैठो। वन पालिका विचारने लगी। बाहर से फिर सुनाई पड़ा, विलंब होने से प्राणों की आशंका है। वन पालिका निसंकोच उठी और उसने द्वार खोल दिया। आगंतुक ने भीतर प्रवेश किया। वह एक बलिष्ठ युवक था, साहस उसकी मुखाकृति थी। वन पालिका ने पूछा, तुमने कौन सा अपराध किया है? बड़ा भारी अपराध है, प्रभात होने पर सुनाऊंगा, इस रात्रि में केवल आश्रय दो, कहकर आगंतुक अपना आदरण वस्त्र निछोड़ने लगा। उसका स्वर विकृत और बदन नीरस था। अंधकार ने उसे और भी अस्पष्ट बना दिया था।
युवती वनपालिका व्याकुल होकर प्रभात की प्रतीक्षा करने लगी। सहसा युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह त्रस्त हो गई, बोली, अपराधी यह क्या? अपराधी हूँ सुंदरी। अब की बार उसका स्वर परिवर्तित था। पागल प्रकृति पर्णकुटी को घेर कर अपनी हंसी में फूटी पड़ती थी। वह कर स्पर्श उन्मादकारी था। कामिनी की धमनियों में बाहर के बरसाती नालों के समान रक्त दौड़ रहा था। युवक के स्वर में परिचय था, परंतु युवती की वासना के कौतूहल ने भय का बहाना खोज लिया। बाहर कर्कापात के साथ ही बिजली कड़की। वनपालिका ने दूसरा हाथ युवक के कंठ में डाल दिया। अंधकार हंसने लगा। बहुत दिन बीत गए, कितने ही बरस आए और चले गए। वह कुसुम कानन जिसमें मोर शुक और पिक फूलों से लदी झाड़ियों में बिहार करते थे, अब एक जंगल हो गया। अब राजकुमार वहाँ नहीं आते थे, अब वे स्वयं राजा हैं। सुकुमार पौधे सूख गए, विशाल काय वृक्षों ने अपनी शाखाओं से जकड़ लिया। उस गहन वन में एक कोने में पर्णकुटी थी। उसमें एक स्त्री और उसका पुत्र दोनों रहते थे। दोनों बहेलियों का व्यवसाय करते, उसी से उनका जीवन निर्वाह होता। पक्षियों को फंसाकर नागरिकों के हाथ वह बालक बेचा करता। कभी कभी मृग शावक भी पकड़ ले आता। एक दिन वनपालिका का पुत्र एक सुंदर कुरंग पकड़कर नगर की ओर बेचने के लिए ले गया। उसकी पीठ पर बड़ी अच्छी बूटियाँ थीं। वह दर्शनीय था। राजा का पुत्र अपने टट्टू पर चढ़कर घूमने निकला था। उसके रक्षक साथ थे। राजपुत्र मचल गया, किशोर मूल्य मांगने लगा। रक्षकों ने कुछ देकर उसे छीन लेना चाहा। किशोर ने कुरंग का फंदा ढीला कर दिया। वह छलांग भरता हुआ निकल गया। राजपुत्र अत्यंत हठी था, वह रोने लगा। रक्षकों ने किशोर को पकड़ लिया। वे उसे राजमंदिर की ओर ले चले। वातायन से रानी ने देखा, उसका लाल रोता हुआ लौट रहा है। एक आंधी सी आ गई। रानी ने समाचार सुनकर उस बहेलिए के लड़के को बेंतों से पीटे जाने की आज्ञा दी। किशोर ने बिना रोए चिल्लाए और आंसू बहाए बेंतों की चोट सहन की। उसका सारा अंग छत बिछत था, पीड़ा से चल नहीं सकता था। मृग्या से लौटते हुए राजा ने देखा। एक बार दया तो आई, परंतु उसका कोई उपयोग न हुआ। वनपालिका ने राजा के निकल जाने पर किशोर को गोद में उठा लिया। अपने आंसुओं से घाव धोती हुई उसने कहा, आहा वे कितने निर्दयी हैं। फिर कई बरस बीत गए। नवीन राजपुत्र को मृग्या की शिक्षा के लिए, लक्ष्य साधने के लिए वही नगरोपकांड का वन स्थल हुआ। वहाँ राजपुत्र हिरणों पर पक्षियों पर तीर चलाता। वनपालिका को अब फिर कुछ लाभ होने लगा। हिरणों को हांकने से और पक्षियों का पता बताने से कुछ मिल जाता था, परंतु उसका पुत्र किशोर राजकुमार की मृग्या में भाग न लेता। एक दिन बसंत की उजली धूप में राजा अपने राजपुत्र की मृग्या परीक्षा लेने के लिए 16 बरस बाद उस जंगल में आए। राजा का मुंह एक बार विवरण हो गया। उस कुसुम कानन के सभी सुकुमार पौधे सूखकर लोप हो गए हैं। उनकी पेड़ियों में कहीं कहीं 2-1 अंकुर निकलकर अपने प्राचीन बीज का निर्देश करते थे। राजा स्वप्न के समान उस अतीत की कल्पना कर रहे थे। अहेरियों के वेश में राजपुत्र और उसके समवयस्क जंगल में आए। किशोर भी अपना धनुष लिए एक ओर खड़ा था। कुरंग पर तीर छूटे। किशोर का तीर कुरंग के कंठ को बेध कर राजपुत्र की छाती में घुस गया। राजपुत्र अचेत होकर गिर पड़ा। किशोर पकड़ लिया गया। इधर वनपालिका राजा के आने का समाचार सुनकर फूल खोजने लगी थी। उस जंगल में अब कामनी कुसुम नहीं थे। उसने मधु को और दूर्वा की सुंदर माला बनाई, यही उसे मिले थे। राजा क्रोध से उन्मत्त थे, प्रतिहिंसा से कड़क कर बोले, मारो। बधकों के तीर छूटे। वह कमनीय कलेबर किशोर पृथ्वी पर लौटने लगा। उसी समय वनपालिका माला लिए राजा के सामने पहुंची। कठोर नियति जब अपना विधान पूर्ण कर चुकी थी, तब कामिनी किशोर के सबके पास पहुंची। पागल सी उसने माला राजा के ऊपर फेंकी और किशोर को गोद में बैठा लिया। किशोर की निश्चेष्ट आंखें मानो मौन भाषा में माँ माँ कह रही थीं। उसने हृदय में घुस जाने वाली आंखों से
एक बार राजा की ओर देखा और भी देखा राजपुत्र का शव। राजा एक बार आकाश और पृथ्वी के बीच में हो गए, जैसे वो कहाँ से कहाँ चले आए। राजपुत्र का शोक और क्रोध बेग से बहती हुई बरसाती नदी की धारा में बुलबुले के समान बह गया। उनका हृदय विषय शून्य हो गया। एक बार उन्होंने सचेत होकर देखा और पहचाना अपना दिया हुआ वही जीर्ण कौशेय उसनीश बन पालिका। राजा कामनी की आंखों में आंसू नहीं थे। यह कौन था? गंभीर स्वर में सर नीचा किए बन पालिका ने कहा, अपराधी। तो दोस्तों, ये कहानी थी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी, जिसका नाम था अपराधी। कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।